थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं 7। आज मेरे वैक्सीन का 3rd डे है और मैं जाने से पहले अपना अपलोड में बैठा दिया था, तो अपलोड हो रहा है अभी भी। मतलब शरीर इतना ठीक नहीं है मेरा, तो अभी मैं अपलोड में बैठा दिया, ये होता रहेगा और मैं अभी फेस हो जाऊंगा। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और बहुत भूख लगी थी, तो मैंने खाना ले लिया। और आज खाने में मम्मी बनाई है मटर मटर आलू और रोटी। तो ऊपर अभी आया हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप थोड़ा सा उठा है। कल मेरा हेल्थ इतना ठीक तो नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने कपड़े धो दिए। कपड़े धोने के बाद मैंने सुखा दिया था, और लेकिन मैंने उसको लेना भूल गया, तो अभी तक वो पड़े हैं ऊपर। मैं एक ऑर्डर करके भूल गया था कि मेरा कुछ आज पार्सल आने वाला है, तो वो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है और मैंने क्यों ऑर्डर किया था, और उसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे। जितने भी चीज़ मैंने ऑर्डर किए हैं शायद अभी धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो रहे हैं। और आपको तो प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखना मैंने क्या क्या ऑर्डर किए हैं। मैंने ऑर्डर किए हैं अपना, पहले ऑर्डर था मेरा माइक्रोफोन, फिर एक ट्राईपॉड, और फिर मेरा लैपटॉप जो कि मैकबुक मैंने लिया था। तो अगर आप वो नहीं देखे हो तो उसको आप देखो। और अभी एक आखिरी ऑर्डर आया है मेरा, वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप इंतज़ार करो उसके लिए। नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बाई 661485। थैंक यू। ओके, तो आ चुका है अभी ये, इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये क्या है आपको अभी मैं बताता हूँ, और मैंने इसको क्यों ऑर्डर किया था, और आई गेस इसका अनबॉक्सिंग मेरे प्रीवियस अनबॉक्सिंग से बेटर होगा, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में मतलब मैंने क्या किया है क्या बोला है मुझे खुद भी कुछ नहीं मालूम। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। मटेरियल तो इसका अच्छा ही लग रहा है, आप देखते हैं अंदर में कैसा है, चेंज भी अच्छा चल रहा है। और तो बेसिकली इसी के लिए मैंने ऑर्डर किया था इसको, ये लैपटॉप मेरा सेफ रखेगा। और ये भी फर की तरह है, ये भी होता तो बेटर होता, पर फिर भी देखते हैं कैसा रहता है। तो इसी के लिए मैंने ऑर्डर किया था ये हमेशा बाहर ही पड़ा रहता था, तो बहुत धूल बहुत डस्ट इस पर लगता था, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए था। तो ये देखते हैं इसमें फिट आता है या नहीं आता है। ये रहा बैग, तो परफेक्ट फिट आ रहा है, हल्का सा थोड़ा लग रहा है कि लूज़ है अंदर। मैंने 13.3 इंच का ऑर्डर किया था, मेरे लगता 13 ही ऑर्डर करने पर बेटर होता, तो हल्का सा यहाँ पे लूज़ है। आई थिंक ऐसा ही होता है, पर जो भी प्रोटेक्ट करेगा मेरा मैकबुक को तो अच्छा है। तो अगर आपको जानना हो कि हमारे घर पे पानी कैसे गर्म होता है, तो वो ऐसे गर्म होता है, भयंकर साउंड आ रहा है इसे सुनो। तो अगर ये फटा ना तो मेरा राइट प्रोफाइल पूरा जॉम्बी बन जाएगा लेफ्ट मानुष, इधर आधा मानुष। मैं अभी आ गया हूँ मम्मी को स्कूल से लेके, और मम्मी अभी मेरे को खाना दे रही है, मतलब दे दी है। मम्मी अभी आएगी मेरे साथ, अभी खाना खाएगी। और आज खाने में मम्मी बनाई है राइस, आलू कोसा। ये जो आलू है वो बहुत छोटा छोटा आलू होता है, उसमें कोसा बहुत टेस्टी होता है, उसमें मम्मी बनाई है। और इसको बेबी पोटैटो कहते हैं शायद, आलू कोसा। और ये है मटर, और ये है ब्रिंजल, और दाल भी देंगे, गरम हो रहा है। मम्मी स्कूल से आकर सीधा मेरे को खाना दे दी, कि मेरे को बहुत भूख लगा था। अभी वो को ड्रेस चेंज करेंगे, फिर वो मेरे साथ खाने आएंगे, तब तक मेरा आधा खाना हो चुका होगा। हाँ दाल भी देंगे, तो खाते हैं। देखते हैं कहाँ है बस। मम्मा क्या है, क्या कर रहे हैं? ये लगाएंगे अभी मुंह में, ये है क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या विटामिन ई। हाँ, ये स्किन के लिए, मतलब फेस के स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्किन के लिए और बाल के लिए भी बहुत अच्छा है।
आज मेरा कॉलिग्स लोग बोले वो लोग लगाते हैं इसको, पहले इसे उसका पूरा चम्मच में लेने से अच्छा होता है। विटामिन ई के साथ नारियल तेल, ये नारियल तेल भी लगा सकते हैं, नहीं तो रोज वाटर भी लगा सकते हैं। दोनों को मिलाकर फेस में लगाने से क्या होता है, तू तो पूरा जलेगी। ये थोड़ा सा नारियल तेल भी दे रहे हैं इसको लगाने से ना कि, हाँ लिप्स में भी लगाते हैं, यदि लिप्स भी फटा हुआ रहेगा वो भी अच्छा है। ये पता नहीं इसको अगर होठ में लगा दी और होठ ऐसे बाहर आ गया नहीं तो फिर ये मेडिसिन दुकान से ला बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तो अपना मस्त केयर ले रही है। हम लोग लड़के लोग लगा सकते कि नहीं होते हैं? सबको ही लगा सकते हैं। मतलब पिंपल वगैरह निकल रहे इधर देखिए। हां हां हम लोग लगा सकते हैं, सबको ही लगा सकता है, ये लड़की लड़का की बात नहीं है। तो लोग डॉक्टर के पास क्यों आते हैं तब, अगर सभी इसी में चला जाएगा तो क्या हो? ये क्या मतलब डिजीज थोड़ी ना है, कोई स्किन डिजीज होने से आदमी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। और इसको लगा कर थोड़ा मसाज करते हैं, और मतलब ये पूरा जैसे हम लोग हम थोड़ा बुढ़ी होने हो रहे हैं ना, बुढ़ी ना और कुछ जैसे बुढ़ी हो रहे हैं ना, तो ये मतलब एंटी एंटी एजेज ना। अच्छा विटामिन खा सकते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मतलब आपको पता नहीं, खा नहीं सकते इसको, शायद लिखा है। हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग का पानी साबुन ये है वो। विटामिन खाते हैं सुना, लगाते हैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरा सारा डब्बा इधर है मैं हटाया नहीं, फेंका नहीं हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12 और मेरा व्लॉग एडिट अभी हो चुका है, तो कंप्लीट है मेरा व्लॉग। और अभी रात को कुछ खाने को मैं नहीं खा रहा हूँ, शाम को मैंने खा लिया था। और मम्मी अभी मेरे लिए लेके आई है दूध, तो मैं दूध पी कर मम्मी देख के लैपटॉप में तो अभी मम्मी मेरे लिए दूध ले आई है, अभी मैं दूध पी कर सो जाऊँगा। अब मम्मी भी चली जाएगी सोने, 12 बज रहा है, मम्मी तो सोई नहीं। फिर कल संडे, ओहो कल संडे है इसलिए मम्मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय, गुड नाइट।